वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स पटना के बारे में। बात करेंगे उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में, उसकी टोटल MBBS सीट्स के बारे में, कैटेगरी वाइज टोटल फीस क्या रहेगी, टोटल फैसिलिटीज आपको क्या क्या मिलने वाली है इसमें, और इसकी NIRF रैंकिंग क्या है। एम्स की बात आती है तो NIRF रैंकिंग देखने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे जितने जो इंडिया में एम्स है वो बेस्ट टू बेस्ट है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑलरेडी बहुत से मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में कॉलेज रिव्यूज़ की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। और आपका भी कोई मन पसंदीदा कॉलेज है जिसके बारे में आप कॉलेज रिव्यू पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से कॉलेज का कॉलेज रिव्यू चाहिए। जल्दी आपको उस कॉलेज का कॉलेज रिव्यू जो है वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब बात करते हैं हम एम्स पटना के बारे में। तो फ्रेंड्स, एम्स पटना के बारे में बात करें तो यह है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि पटना में लोकेटेड है। और बात करने वाले हैं इसके MBBS कोर्स के बारे में, ठीक है। कुछ फैक्ट्स जानते हैं कोर्स के बारे में। तो टोटल फीस की बात करें तो 13.72 लाख इसकी जो है वो फीस है, ठीक है। 13.72 की है, यानी कि 1000। MCA द्वारा अप्रूव्ड है, 100 इसमें MBBS सीट्स है। कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैं आप सभी को आगे बता दूंगा। कोर्स की डिटेल की अगर बात करें तो ये जो आपका कोर्स है वो 5.5 इयर्स का है, 4.4 इयर्स का आपका क्यूरिकुलम है, प्लस 1 ईयर का आपका रोटेटिंग इंटर्नशिप डिग्री है जो कि ऑफर्ड बाय है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना एंड अप्रूव्ड है MCA द्वारा। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात की जाए, 2019 से पहले इसमें जो एडमिशन होता था वो एम्स के अलग अपने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए होता था, लेकिन अब 2019 के बाद इसके जो एडमिशन्स है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे ही लिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि नीट के स्कोर पे बेसिस पे ही आपका इसमें एडमिशन जो है वो होगा। आगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हम बात करते हैं MBBS के बारे में, यानी कि MBBS के बारे में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। आप 10+2 पास हो इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, एंड इंग्लिश भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके OBC के 45% और अदर कैटेगरीज के लिए 40% हो तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आगे अगर बात की जाए अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज, तो ये एक पब्लिक गवर्नमेंट कॉलेज है, कोएड, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार के कैंडिडेट्स एडमिशन ले सकते हैं। स्टेब्लिश हुआ था 2012 में। टोटल फैकल्टीज 57 है और टोटल इनरोल्ड स्टूडेंट्स वो है 803। फैसिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें आपको एक बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा, एक गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, मेडिकल और हॉस्पिटल है, उसके बाद आपका जिम मिलेगा, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट्स है, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, कैफेटेरिया एंड ऑडिटोरियम आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब कैटेगरी वाइज अपने सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो आपकी टोटल सीट्स जो है वो इसमें 100 सीट्स है, जिसमें आपकी जनरल की आपकी 51 सीट्स हैं, OBC की 27, SC की 15 एंड ST की आपकी टोटल 7 सीट है। टोटल 100 सीट्स को इस तरह कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया गया है एम्स पटना द्वारा। अब जो महत्वपूर्ण बात आती है वो आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो इसमें आपकी अलग अलग सॉरी इसमें तो सेपरेट रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 2020 की आपकी जनरल की जो कट ऑफ है वो 645 से 650 के बीच, OBC की 640 से 645 के बीच, SC की 570 से 575 के बीच, ST की 550 से 555 और PWD की 500 से 530 के बीच आपकी जो कट ऑफ है वो अब की बार नीट 2020 में रहने वाली है। इतनी ही अप्रोक्स रहती है इसकी कट ऑफ, और अब की बार थोड़े कट ऑफ जो है वो कम होने के भी चांसेस है क्योंकि नीट, एम्स एंड जिपमर सबको जो है वो ऐड कर लिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए आपकी कट ऑफ जो है वो डिक्रीज होने वाली है। तो ये एक कंप्लीट रिव्यू था एम्स पटना को लेकर। बाकी आपके जितने भी एम्स बचे हैं उसको लेकर भी एक कंप्लीट रिव्यू लाया जाएगा। एम्स दिल्ली को लेकर मैंने पहले ही कॉलेज रिव्यू डाल रखा है, उसकी 2 से 3 वीडियोज डाल रखी है अलग अलग टाइप्स की, तो वो चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं।
एंड एम्स, ये थी एम्स पटना की, और एम्स रायपुर और भी एम्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है वो बचे हुए हैं, तो उनकी वीडियोस भी जल्दी आपके सामने लाई जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट कॉलेज रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।